बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं लेकर आई हूँ आज आपके पास ये ब्यूटीफुल सी स्टिलेट्स डिज़ाइन, जिसे आप आसानी ट्राउज़र पे भी बना सकते हैं व्यूअर्स। तो ये मेरे पास दो तरह के लेस है, पाइपिंग है, और इसको मैं स्टिलेट्स के ऊपर रख कर तैयार करूँगी व्यूअर्स। तो देखिए, मैं इसके ऊपर ऑर्गेंजा फैब्रिक भी यूज़ करूँगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने एक स्क्वायर कट किया है 1x1 का। ठीक है ना, ये दो स्लीव्स के लिए मैंने क्रोजिंग पेपर लिया है, तो मैंने इसको फोर फोल्ड कर लिया है ताकि दोनों स्लीव्स का बराबर से कट हो जाए। ठीक है, इससे मैंने ये स्क्वायर को रख के इस पर ड्रॉ करना है, फिर मैंने इसको क्रोजिंग पेपर को मैंने कट करना है। ठीक है ना, इन दोनों के बीच ऑलमोस्ट 1 इंच का मैंने गैप रखा है, ताकि जो है ना ये सिलाई का मार्जिन आ जाए, आसानी ये फोल्ड हो जाए। ठीक है व्यूअर्स, इस तरह से मैंने ये 3 स्क्वायर ड्रॉ करने हैं इनमें, और जो है फिर मैं इसको कट करूँगी। आप चाहें तो एक कर लें, आप चाहें तो दो कर लें, और आप चाहें तो ज़्यादा कर लें, पूरी स्लीव भी आप लगा सकते हैं इसको। ये मैंने हाफ स्लीव पे डिज़ाइन बनाया है। अब देखिए, मुझको इस तरह से फोल्ड करके फिर मैं इसकी कटिंग करूँगी, तो दोनों स्लीव के लिए बसानी एक जैसा जो है ना मेरा ये ड्राफ्ट बन जाएगा। इस तरह से मेरे स्लीव कट हो जाएंगे। पर जब तक मैं कटिंग करी, तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ा मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ बने घंटी के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज़। अच्छा जी, देखिए मैंने कटिंग कर ली है। अब मैंने इसको स्लीव को सेंटर करके मैंने इसको सेंटर में प्रेस करना है आयरन से, इस तरह से, देखिए बिल्कुल सेंटर में। तो अच्छी तरह से हमने इसको जमा देना है इसको परिस्थिति से। अब मैंने इसको कट करना है। देखिए हमारे 3 होल्स इस तरह से बन गए हैं स्क्वायर शेप में। अभी देखिए मैंने पाइपिंग ली है कॉटन की, इसको मैंने इस तरह से रख के इस पर ज्वाइन करना है। अगर आप पाइपिंग यूज ना करना चाहें व्यूअर्स, तो आप आड़ी पट्टी भी ले सकते हैं। देखिए हमारी एक होल पे हमारी पाइपिंग ज्वाइन हो गई है। इसी तरह से हमने सब पे करना है। देखिए बस, अब जो है ना हमने तीनों पर देखें, इस तरह से पाइपिंग लगा ली है, और साथ साथ हम ये बॉटम पे भी हम पाइपिंग जॉइंट कर देते हैं, ताकि हमारा काम जल्दी जल्दी एक साथ हो जाए। ठीक है, ये मैंने रॉन्ग साइड पर रखी पाइपिंग, और मैंने इसको राइट साइड पर फोल्ड करना है। इसे स्प्रे करें पानी से, या किसी तरह से भी इसको गीला करके, आपने जो सिलाई की आसिम की जो सिलाई है ना, आपने ऊपर रख के इसको इस्त्री करनी है इसको ऊपर देखें, इस तरह, ताकि आपको जो ये डोरी पाइपिंग वाला लुक है ना, वो आ सके, बहुत खूबसूरत सा लुक आएगा इस तरह से अगर आप करेंगे तो। और ये कॉर्नर्स पे हमने कट करके पाइपिंग को हमें पीछे पलटना है। इस तरह से हमने सारी पाइपिंग्स को बाहर निकाल के पीछे के साइड पे हमने फोल्ड करना है, और फिर प्रेस करनी है। तो हमने जो जहाँ पे जॉइंट है हमारे कोने बने हुए हैं, वहाँ पे हमने पाइपिंग पे कट्स लगा देने हैं, ताकि इजीली पाइपिंग बाहर की तरफ फोल्ड हो जाए। बहुत अच्छे से आपने इसको सेट कर देना, ताकि आपको सिलाई में मसला ना हो। बस मैंने कंट्रास्ट फैब्रिक लिया था, अगर आप चाहें तो आप सेम भी ले सकते हैं। ये देखिए हमारी सिली हो गई है। अब हमने इस पर ऑर्गेंजा फैब्रिक लिया है। ठीक है ना, इसको हमने सेंटर में लिया है, जितने हमने स्क्वायर कट किए थे
वन इंच के कट किए थे, हमने दो इंच चौड़े हमने ये ऑर्गेंजा फैब्रिक कट किया है, ठीक है ना। लंबाई हमने स्लीव की लंबाई के बराबर रखी है। अब इसको जो है ना, ये देखिए थोड़ा सा स्लिप हो रहा था तो मैंने इसमें पिनें लगा दी हैं। अब ये ईजिली हमारा ऑर्गेंजा फैब्रिक इस पर ज्वाइंट हो जाएगा। वन बाय वन इस तरह हमने इस पर स्टिचिंग करनी है, टॉप स्टिच करनी है। देखिए तीनों पे हमारा ऑर्गेंजा फैब्रिक लग गया। अब हमने यहाँ पे इसको लेस के साथ ज्वाइन करना है इस तरह से टॉप स्टिच करके, ठीक है। साइड पर हमने इस तरह से लेस पे सिलाई लगा दी। अभी बस अभी सेंटर में एक सिलाई लगानी है, मुझे स्टार्टिंग में ही लगानी थी लेकिन मैं भूल गई थी, तो अब मैं इस पे लगा रही हूँ। कोई हर्ज नहीं है, सिलाई हमारी वैसे ही इसका लुक आएगा। बिल्कुल सेंटर में लगानी है, कपड़े और पाइपिंग के बीच में हमने सिलाई। अभी देखिए वीवर, जो हमारे पास ये लेस थी ना, अब हमने इसके ये काट लिए हैं इसके मोती, ठीक है ना। वैसे तो ये रेडीमेड भी मिलते हैं आपको बने बनाए मार्केट में भी, लेकिन मेरे पास लेस थी तो मैंने इसके ये कट कर लिए हैं। इसको मैं इस तरह से सिलेस में अटैच करूँगी। देखें इस तरह से मैंने दो बार घुमाया है मोतियों में ताकि स्ट्रांगली ज्वाइंट हो जाए। इस तरह से हमने टागा पक्का करना है, वो नहीं निकल जाएंगे। इस तरह से हमने तीनों मोती इसमें ज्वाइंट कर देने हैं। तो देखिए हमारी आस्तीन का डिज़ाइन बनके तैयार हो गया व्यूअर्स, इस तरह से कितनी फिनिशिंग के साथ। ये हमारी डोरी पाइपिंग की तरह हमारी पाइपिंग लग गई है, लेस लग गई और हमारी स्लीव बनके तैयार हो गई व्यूअर्स। और इसी स्लीव की नेक और दामन का डिज़ाइन भी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो मैं उसका लिंक दे दूँगी। अगर आप चाहें देखना तो देखिएगा ज़रूर, और मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए पी अमान अल्लाह।